आप अपने जीवन में फिल्म स्टार से मिलने की ख्वाहिश रखते हैं, आप उनके ऑटोग्राफ्स लेना चाहते हैं, उनके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं, आप बड़े बड़े नेताओं को अपना मार्गदर्शक भी मानते होंगे, लेकिन सच यह है कि आपके, मेरे और हम सब के असली हीरोज फिल्मी सितारे और नेता नहीं, बल्कि देश के लिए जीने और मरने वाले सैनिक हैं। आज डीएनए में मेरे पास आप सबके लिए एक ऐसी खबर है जो आपका दिल खुश कर देगी। आज सूत्रों के जरिए हमारे पास भारतीय सेना की पैरा एसएफ के उन बहादुर जवानों के नाम आ चुके हैं जिन्होंने पिछले वर्ष 29 सितंबर को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इन जवानों को वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। पैरा एसएफ के जिन जवानों ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी उनमें सबसे पहला नाम 4 पैराशूट रेजिमेंट के मेजर रोहित सूरी का है जिन्हें उनकी वीरता के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाएगा। 4 पैराशूट रेजिमेंट के 3 अन्य जवानों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा और इनके नाम है कैप्टन आशुतोष, मेजर रजत चंद्रा और नायब सूबेदार विजय कुमार। इसके अलावा 4 पैराशूट रेजिमेंट के 9 जवानों को सेना मेडल से भी सम्मानित किया जाएगा। साथ ही 9 पैराशूट रेजिमेंट के पैरा ट्रूपर अब्दुल कयूम को शौर्य चक्र प्रदान किया जाएगा और इसी रेजिमेंट के मेजर दीपक उपाध्याय को भी शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा पैराशूट रेजिमेंट के 2 कमांडिंग ऑफिसर्स पैरा 4 पैरा के कर्नल हरप्रीत सिंह संधू और 9 पैरा के कर्नल कपिल यादव को युद्ध सेवा मेडल दिया जाएगा। आपको याद होगा इसी वर्ष 13 जनवरी को हमने आपको एक स्पेशल सरप्राइज दिया था। उस वक्त मैंने आपकी मुलाकात पैरा एसएफ के इन्हीं हीरोज से करवाई थी। ये वही टीम थी जिसने सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी। आज अपनी उस रिपोर्ट के हाइलाइट्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं। दुश्मन के पीछे जाकर अपना दिया हुआ टास्क, अपनी कार्रवाई पूरी करनी पड़ती है, तो ये चीज है जो कि हमारे को दूसरों से अलग करती है। भारतीय सेना के अंदर ड्रिल एक अहमियत वाला हिस्सा है, जो कि हम रिक्रूट को यहाँ पर सिखाते हैं। वो एक सिविलियन आता है यहाँ पर और एक फौजी बन के जाता है। एक पैराट्रूपर को बहुत दिमाग इस्तेमाल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। कोऑर्डिनेशन, स्पीड, स्ट्रेंथ, एजिलिटी और जो मेन है कोऑर्डिनेशन, मतलब ब्रेन का और बॉडी का तालमेल। प्रोबेशन कराते हैं तो प्रोबेशन में सभी को स्ट्रेस में रखा जाता है, उनको नींद कम से कम दी जाती है और उनको डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं। कभी हम आपका नाम नहीं जानते, आपका चेहरा भी हम सही ढंग से नहीं देख पाते और उसके बाद कई बार लोग बातें कर रहे होते हैं स्पेशल ऑपरेशंस की और आप सुनते हैं, ऐसा हुआ है? बहुत बार सुना जाता है पर काम सुने जाने से अच्छा है जो हम करके दिखाएं और लोग उसके बारे में जाने, वही हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। आपके जो ये रक्सैक है इसका कितना वजन होता है? इसका कम से कम 30 केजी वजन होता है।
और इसके साथ आप कितनी दूर तक चल सकते हैं या दौड़ सकते हैं? इसके साथ तो हम अनलिमिटेड है, क्योंकि कोई कमांडो ऐसा नहीं सोचता कि मैं इतना इसके साथ चल सकता हूँ। जितना आपको मिशन मिला है उसको पूरा करना, ये हमारा काम होता है। बोल भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, पैराशूट रेजिमेंट की जय, पैराशूट रेजिमेंट की जय, पैराशूट रेजिमेंट की जय।